Hello and welcome to the pre-match show of Crick and Jif. As you know, bada important match hai Pakistan ka aaj, Pakistan versus Bangladesh. It's like a semi-final. They have to win this game if they want to be facing India in the finals. And as we've seen, abhi pichla match jo tha, 9 wickets se India ne jeeta. Aur kaafi weaknesses Pakistan ke saamne bhi aayi. Bowling mein bhi, batting mein bhi, fielding mein bhi. You know, we've been talking about it. कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, प्रेशर में आ गए बॉयज़, कॉन्फिडेंस, बहुत सी बातें होती रही हैं. बट आई थिंक कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम बाकी टीम्स को भी थोड़ा सा देखें. एंड टू टॉक अबाउट दैट, आई हैव गॉट समबडी विद मी हु नीड्स एब्सोल्युटली नो इंट्रोडक्शन व्हाटसोएवर. एंड ही इज़ प्रॉब्ली समबडी हु कैन टेल अस अबाउट दैट प्रेशर मोमेंट जो हम देखे हैं कि पाकिस्तान में, जिसने थोड़ा सा Pakistan has suffered kiya hai under pressure. Waseem Akram here with us. Thank you so much once again. Thank you, Zainab. Thank you. For your time. Well, you know, there's been a lot of talk about the technical aspect ki ji batting bhi kar liya, bowling mein bhi. Lekin ek wo jo cheez hamesha hum baat karte hain, pressure. Knockout games mein pressure, phir uske alawa India ke khilaf khelne ka pressure. Do you think that that was one of the reasons why our team didn't perform the way they should have? Dekhiye, more or less it's the same team जो चैंपियंस ट्रॉफी आज से 1.5 साल पहले जीती है. मोर लेस वही लड़के हैं. सो आई थिंक जो मुझे बाहर बैठे लग रहा है, अंदर की बात तो मुझे नहीं पता. आई कैन सी कि यू नो दे आर बिट स्केर्ड ऑफ लूजिंग, कि हार गए तो क्या होगा. तो उससे फिर आपके पूरे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी. आपकी एग्रेसिव अप्रोच, वो आप काइंड ऑफ सेफ अप्रोच पे चले जाते हो. जब सेफ अप्रोच पे जाते हो तब आप ऑब्वियसली यू नो, एक होता है जीतने के लिए जाना, एक होता है कि यू नो सेफ अप्रोच के यार, तो उसमें फिर आपसे गलतियां होती हैं. टैलेंटेड है, नो डाउट. अब बड़े, मैं जितने मुँह उतनी बातें, बड़े लोग कह रहे थे कि टॉस जीत के पहले बोलिंग क्यों नहीं की. इसलिए तो वो कप्तान नहीं बना अपनी टीम का, केविन पीटरसन. देयर इज अ रीज़न, किसी भी लीग का नहीं बना. यू नो, एक प्लानिंग होती है, उसके साथ आप चलते हो. मैं पहले पहले कह चुका हूँ, जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, हमारी बैटिंग पहले बैटिंग में स्ट्रगल कर रही है तो चेज कैसे कर पाएगी. एक कम टू थिंक, अगर क्रिकेटिंग सेंस में आप बात देखी जाए तो, बट यू नो, ये यहाँ से कर क्या सकते हैं. यहाँ से दे जस्ट हैव टू बी फेयरलेस, स्टॉप थिंकिंग, पुटिंग प्रेशर ऑन देमसेल्व्स. कोच तो नहीं कहेगा उनको कि प्रेशर तो नहीं डालेगा कोच. कोच उनको प्लान ही बता सकता है. ज़रा खुल के खेलो. शॉर्टें वो क्या, उनको डर क्या है कि अगर आउट हो गए तो क्या होगा. आउट वैसे भी हो रहे हैं. सो माइट इज़ वेल गो विद द ग्लोरी, गो प्ले योर शॉट. उसमें आउट हो जाओ तो फिर आउट हो जाओ. स्पेशली फ़खर, आउट होता है तो होए, उसकी गेम है. बट क्रिटिसिज्म होगा, ले फिर. जब वो अगर चलता है तो उसकी उतनी तारीफ भी होगी. सबसे पहले, हाँ, रिव्यू ले ले सबसे पहले. कि दूसरे एंड पे बाबर आजम जाग जाए, अल्लाह करे उसको कोई कुछ चीज़ कुछ सुंघा दो ताकि उसकी नींद खुल जाए. दो दफ़े ऐसे हो चुका है सामने. आई कैन इमेजिन कि आप बड़ा फोकस हो रहे होते हो, बट दिस इज़ पार्ट ऑफ द जॉब. बैट्समैन जो अदर एंड पे है, इस पर भी नज़र रखे. और जब आप हल्का सा भी डाउट है आपको कि लेग बिफोर के चांसेस नहीं हो सकते, जस्ट एक रेफरल. ज़्यादा क्या होगा, एक रेफरल ज़ाया हो जाएगा. फेयर इनफ, उसमें चांसेस हैं कि आपकी विकेट बच जाए. But it's an important wicket, like, you know, Fakhar is our top. Yeah, he's our main player. उससे सारे डर रहे हैं. You know, opposition उसके खिलाफ प्लान करती होंगी कि ये इसको यहाँ बॉलिंग नहीं करनी है, चल गया तो ये यू नो बड़ी तेज स्कोर करता है, स्पिनर्स को भी मारता है. सो मगर वो यू नो पिछले मैच में जो इंडिया के खिलाफ मैच था, उसने रोकना शुरू कर दिया. सो जब एक बैट्समैन अपनी गेम चेंज करता है, बिकॉज फ़खर ऐसा बैट्समैन है जिसकी टेक्निक, वो टेस्ट क्रिकेट वाली अभी नहीं है, अभी बच्चा है, तो उसकी टेक्निक है खुला खेले, खुला खेले. वो खुला नहीं खेला, वो सिंगल सिंगल भी नहीं थी निकल रही. फिर प्रेशर माउंट होता गया, प्रेशर माउंट होता गया, और उसके बाद विकटें गिरी हैं. ऑल दो पार्टनरशिप लगी हैं दरमियान में, बट 230 ऑन दिस पिच इज नॉट गुड इनफ, एंड 250 वाज गुड इनफ यस्टरडे. या एग्जैक्टली, वी वर टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया. एक्चुअली व्हेन यू लुक एट द वे अफगानिस्तान हैज परफॉर्मड, व्हाट अ स्पिरिटेड परफॉर्मेंस वाज बाय ऑल ऑफ देम. आपको बिल्कुल, आपको याद होगा मैंने इससे पहले भी कहा था, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, कि सब कोई इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं. आप एक टीम को देखिए, वो क्या क्रिकेट खेलते हैं, वो थे अफगानिस्तान. यू नो फेयरलेस है. और कल आराम से कोई और टीम होती ना, हाथ छोड़ गई होती. यू नो 22 बॉलों पे 24 रन चाहिए, 24 पे 22 चाहिए, 5-6 विकटें उनके हाथ में, या 4 विकटें उनके हाथ में, वो लगे रहे. उनकी बॉलिंग में वेरिएशन बड़ी है. यू नो मुजीब से वो हिट नहीं लगती, फिर राशिद आता है. तो यू नो वो 2-10-20 ओवर उनके ऐसे हैं कि जो किसी भी टीम को तंग करते. हम कितना क्लोज मैच जीते थे, और इंडिया भी जीतते जीतते, क्या उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप कल कितनी ज़बरदस्त लगी, राइडू की और राहुल की.
बट उसके बाद विकटें गिरी हैं, उन्होंने प्रेशर फिर माउंट करना शुरू कर दिया. सो एशिया कप पाकिस्तान जीते ना जीते, बट एक चीज़ एशिया कप से नज़र आ गई है कि अफगानिस्तान टीम इज इन इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बैंक के साथ आई है. बिल्कुल, मोहम्मद शहजाद ही मेरे 100, यू नो पीपल टॉक अबाउट हिज फिटनेस एंड आई डोंट नो कि वो मोटा है, ये है, वो है कीपर, बट 100 करना अगेंस्ट, ये नहीं कि उसका बिल्कुल, और ये नहीं कि ये उसने ये पहले ही क्यों परफॉर्मेंस दी है. एमएस ने उसको भी एमएस ही कहूंगा मैं, बिकॉज ही वांट्स टू कॉल हिमसेल्फ एज एमएस एज वेल. और मोहम्मद शहजाद ने वो ये चिप इन करता रहता है T20 में, भी बड़ा फास्टी सा क्रिकेटर है. अब उसकी अपेयरेंस जैसे भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वो परफॉर्म करे. 50 ओवर उसने यू नो पहले 100 किया है, फिर उसने 50 ओवर कीपिंग की है, सो फिटनेस इज़ देयर. कोई फिजिकली अनफिट होगा, उसकी मे बी अपेयरेंस लग रही है हमें, बट फिजिकली अगर कोई अनफिट होगा वो इतना लंबा इस गर्मी में गुजार ही नहीं सकता. एंड कीपिंग इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन क्रिकेट, बैटिंग, बॉलिंग, कीपिंग, फील्डिंग, कीपिंग सबसे मुश्किल है. बट इवन जो रिस्ट्रिक्ट किया उन्होंने उसमें भी लाइक यू सेड इनकी परफॉर्मेंस दिख जाए. आफ्ताब आलम जिसको आखिरी ओवर में शुएब मलिक ने मारा था, लेकिन ही केम बैक स्ट्रॉन्गली, 2 wickets, he took 2 wickets as well. पांच की इकोनॉमी रेट पे. फिर उसके अलावा मोहम्मद नवी, राशिद खान. सो लाइक यू सेड दैट इनकी साइड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता और डेवलप हो रही है, एंड दे कम अक्रॉस वेरी बैड. कुछ यंग लड़के हैं काफ़ी सारे, बट आई थिंक इनको शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो, होपफुली तब तक इनको बैकअप मिल गया हो कि जब ये नबीज एंड यू नो ये जरदान्स ये थोड़े यंग जो नहीं है लड़के, 30+ हैं, वो जब रिटायर होंगे तो फिर उनके लिए बैकअप होना बड़ा ज़रूरी है. जब बैकअप नहीं होगा तो फिर डिप आएगा इनकी परफॉर्मेंस में. बट आई थिंक राइट नाउ दे वेरी एक्साइटिंग टू वॉच, दे रियली फन टू वॉच, एंड इट सीम्स अनलाइक पाकिस्तान टीम दे आर इन्जॉइंग द क्रिकेट ऑन द फील्ड. पाकिस्तान टीम से मुझे क्या नज़र आ, मैं क्या देखना चाहता हूँ, ऑब्वियसली जीत देखना चाहता हूँ, मगर जीतना हारना गेम का हिस्सा है. आई वॉन्ट देम टू गो आउट स्माइल्स ऑन द फेस, डाइव अराउंड, अटैक, यू नो उसमें हार जाए ठीक है, बट वो छोटे छोटे मूव बने हुए थे पिछले मैच में, वो लग रहा था कि मस्कीन लग रहे थे, हालांकि है नहीं है. आई वाज गोना आस्क यू कि जब 240 के बाद जब मतलब डिफेंड करने की बारी आई है जी, तो व्हेन दे ऑल वॉक्ड ऑन टू द फील्ड पहले ही लग रहा था कि वो हारे हुए, लाइक यू नो देयर एक्सप्रेशंस वर कंप्लीटली एज इफ दे न्यू कि दिस इज नॉट इनफ. तो ये खुद ही इनको जगाना पड़ेगा अपने आप को, यू नो खुद ही इंडिविजुअल को, कप्तान को, कप्तान का भी फेस बना होता है आजकल बिकॉज उसके बैटिंग नहीं हो रही. बट अब नहीं हो रही तो वो कोशिश तो कर रहे, नहीं हो रही कप्तान तो नहीं हो रही, बट मेक श्योर कि क्रिकेट में ऐसी क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें प्लेयर्स जो होते हैं इनडायरेक्टली कप्तान की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं. इनडायरेक्टली नज़र उनकी कप्तान पे ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी गिरी तो प्लेयरों की भी अपने आप गिरनी शुरू हो जाती है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो खुश रहे पीछे, अपना बोलता रहे, दैट्स जब वो चुप होता है इसका मतलब है कि वो प्रेशर में आया हुआ है. एग्जैक्टली, या ही मेड 44 इन 66 बॉल्स, एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट वाज द स्ट्राइक रेट ऑफ द पाकिस्तानी बैट्समैन के जी बहुत स्लो खेल रहे हैं, बहुत डॉट बॉल्स थी जिसकी वजह से एंड में भी और बुमराह भी इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहे थे उनकी यॉर्कर्स. तो आई मीन ये जो मिडिल ओवर्स वाला पीरियड है पाकिस्तान के लिए, हाउ डू दे चेंज देयर अप्रोच इन दैट उसके लिए इन्हें प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए इनको रोल्स देने पड़ेंगे. ऑब्वियसली इनको पता है सारी इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, यू नो मिडिल ओवर में स्पिनर को मैंने कैसे 3-3, 4-4 करना है, उसमें बाउंड्री मिल जाए ठीक है. डॉट बॉल पिछली मैच में इसलिए खेली तो प्रेशर में बड़े थे बेचारे, घबराए हुए थे कि हार ना जाए, और दूसरा 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी. यू नो 2 विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो आप स्लो ही खेलोगे ना, आप आगे हर गेंद पे तो मारोगे नहीं. सो ये यू नो आई एम ऑल फॉर दीज क्रिकेट लवर्स, दे कैन गिव योर ओपिनियन, ऑफ कोर्स एवरीबडी गॉट देयर ओपिनियन, मगर जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है जो 25 साल से खेला है उसका ओपिनियन का थोड़ा सा इनको सीरियस भी लेना चाहिए. ये बैटिंग कर लें, बॉलिंग कर लें, भैया कि सड़क पर खेल रहे हैं ये सारे, क्या मतलब प्लान नहीं करते होंगे रात पहले, ये ऑफकोर्स करते होंगे कि ये विकेट है, ये पिच है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, सारी प्लानिंग होती है. बट ऑब्वियसली उसको एग्जीक्यूट करना इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. आई थिंक विद आर पीपल लोग समझते हैं कि अगर टीम एक डिलीवर नहीं कर रही तो उसका मतलब है कि पीछे कोई प्लान ही नहीं था या कुछ सोचा नहीं था. ये समझते हैं, व्हिच इज नॉट द केस. बट हैविंग सेड दैट, शुएब मलिक एटलीस्ट यू नो वो क्या उनका एक्सपीरियंस है, क्या है वो तो एक और ही डिफरेंट जोन में लग रहे हैं. बाकी एक तो वो एक और जोन में खेल रहे हैं. एक तो इन फॉर्म है, फॉर्म अच्छी है, और प्लस एक्सपीरियंस है, प्लस सिचुएशन के मुताबिक खेलता है. जब स्पिनर को निकलता है तो लेट निकलता है, यू नो कामनेस है उसके फेस पे.
That's very important. There's a little bit of acting you got to play as a cricketer, as especially big games. Aggression bhi control hona chahiye. Agar aapne ek batsman ho, jitna marzi andar se aapko pressure hai, but try to be calm. You know, aankhon se, chehre se, body language se. Wo calm hoge to aap decision achhe karoge. Agar zyada excited hoge to aap zyada galat decision, means ki aap marne, zyada exciting decisions karoge, but sometime you got to be काम. बॉलर के लिए ठीक है, वो अग्रेसिव हो सकता है जब मारना पड़ी हो. जब मार पड़ी हो तो फिर अननेसरी अग्रेशन. अब पिछले मैच में अब मैंने देखा हसन की पेस 130-132 आ रही थी. ऑल्दो इज क्विक, बट उस पर आ रही थी. और वो बाउंसर भी जो कर रहा था रोहित को, जो सबसे अच्छा खेलता है, वो भी इस हाइट पर कर रहा था और वो भी इधर. तो उस आस्किंग फॉर ट्रबल ना, वो इधर ही जानी है ना, छिक्का ही जाना है. अगर उसको बाउंसर करना है तो ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा ऊँचा करो ताकि वो मारे, एज लगे, फाइन लेग पे जाए, एज लगे, स्क्वायर लेग आपके पास पीछे है, यू नो, कहीं भी जा सकता है. लेकिन वसीम भाई क्यों उसकी मतलब उसकी तो बाउंसर बहुत अच्छी थी, मतलब जो हमने देखी है स्किटी थी उसकी बाउंसर. मगर वो अब फॉर इंस्टेंस लाइक आई सेड, आई होप मैं गलत पढ़ा हूँ कहीं, कि एशिया कप से पहले इसने कोई कहा था कि मैं इंडिया की 10 विकेटें लूँगा और समथिंग. आई होप ना कहा हो, मगर ये अपने आप पर प्रेशर डालने वाली ये बात होती है. परफॉर्मेंस करके बात करो, पहले भड़के मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. अगर ना हुई तो क्या करोगे? सो दैट्स हाउ यू क्रिएट प्रेशर ऑन सेल्फ. लेस इज मोर. आने से पहले को जी हम पूरी कोशिश करेंगे, विल ट्राई आवर बेस्ट, वी प्ले एज अ टीम, और जो कप्तान मुझे कहेगा एज अ बॉलर, मैं डिलीवर करने की कोशिश करूंगा. जी भाई, पेसेस के ऊपर आ जाएं या ओवरऑल बॉलिंग अटैक के ऊपर आ जाएं तो कुछ भी नहीं हो रहा. ऑर्डिनरी ना पेस नजर आ रही है ना, तो ये क्या हो रहा है? क्योंकि अगर आप 9 विकेटों से हारे, उसमें एक रन आउट है, तो देन आई मीन इज दैट दैट लड़के तो यंग है ना, इसमें अलार्मिंग तो है इन अ वे के विकेट नहीं मिल रही इनको. और यू नो मुझे थोड़ी सिलेक्शन में भी समझ नहीं आ रही. आपने आमिर को ड्रॉप किया एक मैच पहले, कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इसलिए ड्रॉप किया, दूसरे मैच में आपने खिला दिया. सो कुछ समझ नहीं आ रहा. वो लड़के भी थोड़े से इस वक्त उनको भी लग रहा होगा कि व्हाट्स हैपनिंग. खिलाना है तो उसको पूरा खिलाओ, अगर नहीं बिठाना, अगर दूसरे को खिलाना है तो उसको, यू नो, ये छोटी छोटी गलतियाँ से, यू नो, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मेरे ख्याल में. बिकॉज अगर आप किसी बॉलर को ड्रॉप करते हो परफॉर्मेंस में, वो एक दिन में परफॉर्मेंस उसकी बेहतर ही ना हो जाती. सो आपने मीडिया के खिलाफ आमिर को खिला लिया, पिछले में ड्रॉप कर दिया. सो वो यहाँ रेस्ट कराया हो तो बता दें, पता लगे कि उसको रेस्ट कराया. So we that's where the little problems I think वो बड़ा बड़ी problem होती जा रही है. शाहीन शाह को कैसे आपने देखा? वो end में बेचारे को मार पड़ गई, लेकिन overall यार वो जब आप एक विकेट गिरी हो 200 आओ तो मार पड़ने के चांसेस तो हैं इस पिच पे, बट he's got potential. उसका नया बॉल एक आधा स्विंग देखा मैंने हुआ, बट फॉर सम आउट रीजन हमारे लड़कों की स्विंग नहीं हो रही. आई कैन इमेजिन जो फर्स्ट चेंज में आता है उसके लिए मुश्किल है इस पिच पे कुकबोरा के साथ स्विंग करना, बट नए गेंद से तो थोड़ा स्विट होना चाहिए. और आमिर का सिर्फ क्रॉस जा ही जा रहा है, क्रॉस भी जा रहा है, ये नहीं कि वो ऐसे जा रहा है कि स्विंग करके जा रहा है. एक होता है ना रिस्ट से आप करो तो वो हवा में लग के जाए ऐसे, उसका सिर्फ वो एंगल से जा रहा है. सो इट्स प्रडिक्टेबल, तो वो उसको खेल ही उधर को रहे हैं. और शादाब की बॉलिंग भी मुझे ऑर्डनरी सी लग रही है कंपेयर टू द स्पिनर. अगर आपको लेग स्पिनर से कंपेयर करते हो राशिद से या छाल से, सो ही इज़ लुकिंग वेरी एवरेज राइट नाउ एज फार एज, सो ही रियली हैज़ टू वर्क ऑन हिज बॉलिंग. लाइक इफ यू लुक एट इंडियाज परफॉर्मेंस, तो उनकी वहाँ पे जो देख रहे थे कि यॉर्कर्स करा रहा था बुमराह, और उनकी मतलब उनकी लेंथ, डू यू थिंक दे वर बेटर देन अस, और व्हाई वर दे एबल टू कंटेन अस? बुमराह हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट विद हिज यॉर्कर्स, नॉट जस्ट नाउ, इवन व्हेन ही वाज अ यंग किड इन आईपीएल. That's why he got picked up for India team के लिए. So वो एक knack है, अगर आप regular करते रहोगे आपको आता रहेगा. I can actually promise, not promise, but I'm sure, अगर हम शाहीन को कहेंगे ना at will, तो तुम 3 यॉर्कर मुझे करके दिखाओ, उससे नहीं होंगे. एक होगा, दो होंगे, एक आधी उसकी वॉली या थोड़ा शॉर्ट ऑफ अ लेंथ गिरेगा. उसके लिए प्रैक्टिस इन नेट्स. ये बार गर्मी ज़रूर है, मगर यू नो मेहनत के बगैर कुछ मिलता नहीं है. दैट्स व्हाट आई थिंक. आई मीन नज़र लगा होगा उनके साथ सुबह शाम, बट बोलो सो खुद भी तो सोचना है, खुद भी तो एक्स्ट्रा माइल जाना है. देखिए इमाम का कैच अगर आप देखें ना, जो क्रिकेटर्स हैं उनको पता है कि वो प्रेशर का ड्रॉप, झपट्टा मारा है उसने बॉल पे, ऐसे किया बजाय कि उसको आने नहीं दिया. सो दैट्स बिकॉज एड्रेनल रश थोड़ा ज़्यादा था, प्रेशर बढ़ा हुआ था, तो एकदम देखा तो एकदम चौंक गया. सो उसकी वजह से ड्रॉप हो रहे हैं प्रॉब्ली कैचेस.
अच्छा बांग्लादेश आज ऑब्वियसली वी आर प्लेइंग अगेंस्ट देम, इजी नहीं ले सकते उनको हम, नॉट एट ऑल, अच्छा खासा नॉट एट ऑल. अफगानिस्तान के खिलाफ ही जो जो मैच था उसमें जिस तरह परफॉर्म किया, या फिर दे हैव महमूदुल्लाह के, सो हूएवर विंस टुडे दे विल क्वालीफाई टू प्ले इंडिया ऑन फ्राइडे. जी वाओ, सो इट्स लाइक यू सेड सेमीफाइनल. या सो व्हाट वी आर हियरिंग, आई डोंट नो, अभी देखते हैं कि जी जुनैद खान आज खेल रहे. अच्छा सुन रहे हैं, अभी पता नहीं है. वो जुनेद का भी पढ़ा था कि उसने कहा कि मेरी आमिर की कुछ जेलसी नहीं है कुछ. आई वाज रीडिंग ऑन क्रिक इन्फो समवेयर और मे बी ऑन सोशल मीडिया, मेरा नहीं ख्याल. उसको भी चांस नहीं दिया गया तो आज सुनने में आ रहा है कि बिकॉज बाकी सबको चांस दे दिया है तो उसको भी दे दे. वेरी गुड यार, ये तो मोहल्ले की टीम हो गई. इसको भी खिला लो, इसको भी खिला लो, इसको भी खिला लो. खिलानी वो चाहिए जो आपको एग्जैक्टली आपकी टीम को रिक्वायरमेंट है. यू नो इट्स वेरी ऑड टू मी व्हेन पीपल से कि यार उसको चांस नहीं मिला. भाई वो जो टीम की कॉम्बिनेशन के साथ आएगा, अगर वो कॉम्बिनेशन में आता है तो व्हाई नॉट, तो ड्रॉप इसका मतलब फिर आमिर को करेंगे. सो व्हाई डिड दे प्ले आमिर अगेंस्ट इंडिया, दे शुड हैव प्लेड जुनैद. वेरी गुड क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि अगर आपने उसको ड्रॉप ही करना था, हां आपने उसको पिछले वाले तो में कम से कम जुनैद को प्रैक्टिस मैच प्रैक्टिस तो मिल जाती, वेदर क्लाइमेटाइज हो जाता, विकेट का पता लग जाता इस मैच से पहले. सो आई होप ही परफॉर्म्स इफ ही प्लेस, बट इट्स क्लियर कि they're unable to get their combination right. Like कभी नवाज खेल रहा होता है तो कभी फहीम अशरफ पहले मैच में खेल रहा था, अभी तक कोई सेट कॉम्बिनेशन नहीं है. मेरे ख्याल में फहीम is one of the main players in this team. Yeah. You know, अगर आपने एक्स्ट्रा स्पिनर ही खिलाना था तो आप मे बी आमिर की जगह फहीम को खिला लेते ताकि एक आपकी बैटिंग भी थोड़ी, मे बी मैं कह रहा हूँ, मैं वैसे एक आइडिया दे रहा हूँ, मे बी उसको खिलाता कि आपकी बैटिंग भी थोड़ी लंबी हो जाती. बट बैटिंग में अगर आपके छः ने नहीं किया तो दस ना आठ ने भी नहीं कुछ करना. You know, that's what I'm saying. So Fahim को इन्हें playing 11 में रखना चाहिए, because वो एक आगे जाके बड़ा all-rounder जबरदस्त बनने वाला है. As long as his mind is in the right frame, is on the right track, he can be very useful for Pakistan cricket. अच्छा ये बताएं कि अब मतलब obviously Pakistan needs to think about कि how are we going to change, you know, turn things around. The way of the things have been going, नीचे लगे हुए हैं, शक्लें नीचे गिर रही सबकी. Yeah. You know, like वो एक जो आपका एक, I'm sure you've experienced it as well in yeah. terms of, not personally but team wise uh-huh. probably ke ji sab thoda sa shakne giri mein hai, you know, how do you rise above that? That's a good one. पाकिस्तान टीम का वैसे हमारे दौर में भी यू नो कभी अर्श पे तो कभी फर्श पे. सुबह बस पे जाओ तो सारे कहके मार रहे हैं, अगले दिन बस पे जाओ तो सारों के मुंह बने होते थे. सो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. दिस इज आई सपोज दैट्स व्हाट वी आर एज अ नेशन, कभी ऊपर और कभी नीचे, मीडियम कहीं यू नो धीमे एंड यू नो वो मीडियम लेवल पे नहीं हम रहते, यादर यहाँ हैं तो यहाँ हैं. सो वो इंडिविजुअल अपने आप को, उनको कप्तान को थोड़ा मोटिवेट करने पड़ेगा, थोड़ा हंसी मजाक करनी पड़ेगी और यही कहना पड़ेगा गो आउट एंजॉय द गेम, स्माइल्स ऑन योर फेस, डाइव अराउंड. ज़्यादा क्या होगा, नहीं आएंगे फाइनल में. किसी ने क्या हैशटैग शोएब मलिक कप्तान शुरू करा, बस तू घर बैठा हैशटैग ही करता रही. हैशटैग इसीलिए तो ये, यू नो दैट्स व्हाट आई एम वरीड अबाउट दीस पीपल. वो सोशल मीडिया है, वो बंदर के हाथ माचिस आ गई है, इन्होंने जंगल को आग लगा के छोड़नी है. जब सरफराज आए तो उन्होंने इंटरव्यू कहा कि जी 250 प्लस टाइप हम इस तरह से करेंगे, बट यू थिंक इंडिया के खिलाफ जिस तरह वो खेल रहे थे तब तो लग ही नहीं रहा. यू नो इन सरफराज़'स डिफेंस, जब पहला स्पेल किया बुमराह, और बुमराह की एक बॉल आपने देखी होगी, उन्होंने क्लोज अप भी दिखाया, मिट्टी उड़ी थी. सो आई थॉट कि बॉल टर्न होगा, ये मैं मैच के दौरान की बात कर रहा हूँ, बट इतना खास टर्न नहीं हुआ उस पर. सो अब रात को मैं ग्राउंड पर गया नहीं हूँ, आप जाते हो ड्यू है नहीं है, इवन हल्की सी भी अगर ड्यू है तो इसका मतलब है विकेट आपकी बिल्कुल जुड़ जाती है, फ्लैट हो जाती है. इट्स लाइक अ सीमेंटेड काइंड ऑफ विकेट. वो लगा इंडिया पाकिस्तान के मैच में, ऑल्दो कल अफगानिस्तान ने जो बॉलिंग की है यू नो वो डिफरेंट किया उन्होंने, लाइक आई सेड दे हैव वेरिएशन. अब जब पाकिस्तान टीम सेलेक्ट हुई तो बड़े क्रिटिसिज्म हुआ कि स्पिनर नहीं लेके जा रहे, और मैंने भी कहा कि उनकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, उन्हें पता है कि विकटें कैसी हैं वहाँ पे, उस तरीके से पिक किया होगा ना. बट हमारे पास कोई बड़ा ग्रेट स्पिनर हो तो हम उसको ले आए. आई डोंट नो यासिर शाह इज इंजर्ड स्टिल, नहीं यासिर शाह इज बैक, ही विल बी प्लेइंग इन द टेस्ट मैचेस, ही शुड बी इन दिस वन डे स्क्वाड एटलीस्ट एक्स प्लेइंग 11 में, कम से कम साथ रह के उसकी फिटनेस पे नजर रख सकते हो, बिकॉज वो मैच विनर है. यू नो हिज उसके जान है, उसके रिस्ट में उसका गुगली भी अच्छा है, उसकी लेग ब्रेक भी है, उसका फ्लिपर भी तेज है. सो उसको इनको बनाना चाहिए. आई एम ऑल फॉर शादाब, और थोड़ा सा प्रेशर अच्छा होता है. नहीं, एक में शादाब पे थोड़ा प्रेशर अच्छा है,
यू नो ही विल बी कीपिंग ऑन हिज टोज. या उस कीपिंग ऑन टोज स्क्वाड में होगा तो टोज पे रहेगा वो, रिलैक्स नहीं होगा वो. वो थोड़ा रिलैक्स मुझे लग रहा है आजकल शादाब, उसको एवरेज परफॉर्मेंस दे रहा है इन पिचेस पे. सो ही शुड नो कि आजकल के दौर में हमें 4-5 मैच में परफॉर्मेंस देंगे, ये सारा टैलेंट, ये सारा स्टार बॉय विल कम डाउन. नो इट विल. आई एम ट्राइंग टू टीच हिम के नेवर बी सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, जस्ट कीप ऑन इम्प्रूविंग, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन फोकसिंग. उसकी एक आदत बन जानी चाहिए इसको. मेरे ख्याल से शादाब से मैं बाद में कहती हूँ, वसीम भाई के साथ एक सेशन करने बहुत जरूरी है, ही नीड्स टू नो. बट फॉर टुडेज मैच पार्टिंग थॉट्स, कितना स्कोर इज इनफ? आह यार इट्स वेरी डिफिकल्ट. जो अभी तक अबू धाबी पे पिच है तो बात ही, आई थिंक वहाँ हमने 250 और चेस किया था ना अफगानिस्तान का. आई थिंक 260-250 प्लस विल बी अ फाइटिंग टोटल. आइडियली अगर 270 कर जाएँ, ये 270 चेज होना मुश्किल होता है किसी भी पिच पे. सो लेट्स सी टॉस करके क्या करते हैं, प्रेशर में आके कुछ चेंज ना कर दें टैक्टिक. कि यार अगर हमने दो मैचों में बैटिंग किया तो हम फेल हो गए, आज कहीं बॉलिंग कर लें तो शायद चल जाए. बट डू वट एवर यू थिंक इज गुड फॉर योर, जो प्लान आपने किया है उसके मुताबिक आप अपना बैटिंग या बॉलिंग करें. सो डोंट डर के ना करना कि लोग क्या कहेंगे, लोगों ने तो कहना ही है. यू कॉन्सेंट्रेट ऑन टूडेज गेम, प्ले लाइक टाइगर्स, जैसे इमरान खान कहते थे, प्ले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, प्ले लाइक टाइगर्स. एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा एंड गेम सोचनी है ज़िंदगी में लोगों ने. एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, हार जाएंगे, फाइन, पार्ट ऑफ द गेम. Right, you heard it there from Wasim Akram, the man himself, that you have to play fearlessly. You know, the brand of cricket that we've seen Pakistan play in the Champions Trophy final as well, that's what we need from the Pakistan team today. Let's hope for the best and we will see you soon. Hope you enjoyed the show.